नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यस टीवी के कार्यक्रम सच्ची तस्वीर में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस कार्यक्रम के थ्रू हम आम जनता की समस्याओं को उन अधिकारियों तक पहुंचाते हैं जो इनका समाधान जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ हैं यहाँ पर श्री प्रमोद सेठी जी, जो यमुनानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक MC के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही इन्हें वार्ड नंबर 4 के लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व चुना है। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में और किस तरह से इन्होंने आम जनता की सेवा में अपना योगदान दिया है, उस बारे में भी हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है यस टीवी में। नमस्कार जी। सर, हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जनता से रूबरू करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले बताइए कि आप किस तरह से MC बने हैं। ऐसा है, 87 में मेरे फादर भी MC थे, तो मैं अपने फादर के साथ दफ्तरों में आता जाता था। तब मैं SD स्कूल में पढ़ता था, 8th क्लास में, तो वहाँ से मुझे काफ़ी इस चीज़ का शौक चढ़ा राजनीति में आने का। तो उसके बाद मुझे यहाँ से जिला अध्यक्ष बनाया गया पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का। उसके बाद बस मैं फिर राजनीति में अपने पूरी तैयारी के साथ आया। सर, आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में से कोई राजनीति में है? हाँ जी, मेरे फादर 87 में राजनीति में थे। मेरे फादर MC रहे भारतीय जनता पार्टी से। हम शुरू से ही, हमारे फादर बताते हैं कि हमारे दादाजी भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहे और हम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जब मेरे फादर MC बने। तो अपने फादर के साथ कई बार हम ऑफिस में गए आए, यहाँ हमारे घर कई अधिकारी आते थे, यहाँ अपने फादर के साथ लोगों के समाधान के लिए चौकी थानों में जाते थे। हाँ, इससे हमें बड़ा ज्ञान मिला जी। उसके बाद हमारे मन में ऐसा आया कि जनता की सेवा के लिए मैं भी राजनीति में आऊं और बड़ी जनता की सेवा की, और जनता को हमारे पर विश्वास भी बड़ा हुआ। प्रेरणा किससे मिली, आपका कौन मार्गदर्शक रहा है आपके इस कार्य में? ऐसा है जी, ये मार्गदर्शक तो हमारे गुरु रहे हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। हमारे मार्गदर्शक हमारे पिताजी भी रहे, हमारे बड़े भाई साहब अब जो USA में रहते हैं वो भी हमारे मार्गदर्शक रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से जिला अध्यक्ष थे। हमारे मार्गदर्शक हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी भी रहे, जिन्होंने राजनीति में मेरा बड़ा सहयोग दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो सर, आपने फंड्स की भी बात कही कि फंड्स अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया है आज के टाइम में, तो गवर्नमेंट की तरफ से या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आपको फंड्स कितने अलॉट होते हैं? हर साल होते हैं या महीने के हिसाब से होते हैं? किस तरह से फंड्स अलॉट होते हैं? ऐसा है मैडम, हाउस की जो मीटिंग होती है उस हाउस की मीटिंग में 50 लाख रुपये फंड हमें मिलता है। पहले क्या था, पहले वार्ड छोटे होते थे, फंड मिलता था वो काम चल जाता था। अब वार्ड बड़े हो गए हैं, अब मानो पहले जो सड़क बनती थी 3 लाख रुपए में, आज वो सड़क बन रही है 10 लाख रुपए में। मानो हमें 50 लाख रुपए एक हाउस की मीटिंग के मिले हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, 4 गलियां बन जाएंगी, बाकी कोई रिपेयर का काम भी है, पैच वर्क का काम है, कोई नाली बनवानी है, कोई पुलिया बनवानी है, 10 लाख रुपये उसमें लग गए। वो हमारी 7 हाउस की मीटिंग हुई है, 37535 3.5 करोड़ रुपये मिले। 3.5 करोड़ रुपये में इतने बड़े वार्ड का विकास नहीं हो सकता। कम से कम 20 करोड़ रुपये अगर वो हमें फंड मिलता तो शायद ये विकास बड़ी तेज़ी से कर पाते हम। फिर भी हमने बड़ी मेहनत की है, अपने वार्ड में मैं 6 ट्यूबवेल लगवा चुका हूँ और उसके बाद काफ़ी कॉलोनियाँ बनवा चुका हूँ, काफ़ी विकास करवा चुका हूँ। आप मुझे कुछ पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी के बारे में बताइए कि वो अपना कार्य किस तरह से देखती है। पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का ये हमारा 203 नंबर रूम है, वहाँ होती है इसकी मीटिंग। वहाँ उच्च अधिकारी भी बैठते हैं, निचले स्तर के अधिकारी भी बैठते हैं। वहाँ आम जनता को समय दिया जाता है, भई आपकी कोई समस्या है तो आप आके उस समस्या को बताएं। वहाँ हमारे मंत्री भी आते हैं,
6-6 महीने के लिए हर मंत्री की ड्यूटी लगती है। पीछे हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी भी आए थे, हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी भी आए थे, अब हमारी मंत्री मैडम कविता जैन जी की यहाँ लगी हुई है, वो चेयरमैन है यहाँ की गुरविंद सिंह की। वहाँ जनता की समस्या को सुना जाता है और साथों साथ ये हिदायत दी जाती है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। सर, आपने नारी सशक्तिकरण के ऊपर बताया, आप कराटा एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर अब आजकल हम देख रहे हैं कि विमेंस भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी, अब वो समय नहीं रहा कि लड़कियों को घर में दुबक के बैठना चाहिए, अब ये समय है लड़कियों को भी लड़कों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। नारी जितना भी राजनीति में आएगी बड़ी अच्छी बात है। अब देखो हमारे देश में कभी पहले आज तक नहीं सुना गया कि लड़कियों ने मेडल जीते हैं, अब हमारे देश में शायद लड़कों से ज़्यादा लड़कियां उनकी तरक्की कर रही हैं और मेडल जीत के ला रही हैं। अब महिला थाने खोले गए हैं, वो महिलाएं उन थानों में होती हैं और उनका भी कार्य बड़ा अच्छा है, वो भी हर समय जनता की सेवा में लगी रहती हैं। उनको देखकर मैं तो कहता हूँ, उनको देखकर बच्चों में बड़ा ही मनोबल बढ़ता है, भई ये लड़की आईपीएस अफसर है, ये लड़की एसडीएम है, ये लड़की तहसीलदार है, तो मैं भी बनूं। और लड़कियों में इस चीज़ की भावना, हम लोगों को ही उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मेरी भी गुड़िया है, मेरी भी भतीजी हैं, मैं भी उनको कहता हूँ, मैं भी क्या कहूँ, वो खुद ही हमें कहती हैं कि हमने आईएएस करनी है। सर, आखिरी सवाल है कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश है, नशा मुक्त भारत बने और हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में तरक्की करें, अधिकारी बने, पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर विराजमान हों। और कुछ लोग जो हमारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो स्वच्छ राजनीति में आएं और जनता की सेवा करें और भारत का विकास करें, मेरा तो यही मानना है। शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यस टीवी के सच्ची तस्वीर कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हेलो सर, आप दोनों का स्वागत है यस टीवी में। आप ये बताइए, आप कौन से कॉलोनी के निवासी हैं? हम इंदिरा कॉलोनी के निवासी हैं, तकरीबन 20 साल से यहाँ रह रहे हैं और काफ़ी विकास के कार्य हो रहे हैं और हो चुके हैं और हो भी रहे हैं और उम्मीद है कि आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो सर, क्या क्या कार्य हो चुके हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ की पार्क की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, हमारे एमसी साहब ने सारे हमारे रोक काट दिए हैं, थोड़ा सा लाइटों का प्रबंध है, जो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि लाइट का प्रबंध किया जाए। यहाँ अंधेरा रहता है, लाइट का मुँह इधर है, एक लाइट उधर भी लगवाई जाए, हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा है। सर, आपको कोई समस्याएं हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप खुश हैं अपने एमसी साहब से? बहुत खुश है ये सब जी, सड़कें सुड़कें सब ठीक रही हैं, सारी समस्या दूर करी है बाढ़ की। अच्छा। बस थोड़ी बहुत ही है लोगों की जो समस्या होती है, वो करेंगे, बाकी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है यस टीवी में। आपका क्या नाम है? कुलदीप कौर। तो कुलदीप जी, आप मुझे बताइए कि अब तक आपके वार्ड में क्या क्या कार्य हो चुके हैं? सब अच्छे कार्य हो चुके हैं, जैसे मतलब पार्क अच्छी बन गई है, अच्छे से सामने सफाई हो गई है, अच्छा अच्छा सारा काम हुआ है, मतलब जो साइडों से जो टैले लग गई हैं, सारी कुछ लग गई, जो साफ सफाई होगी थोड़ी सी बस पार्क की, मतलब स्वच्छ भारत अभियान का तो पूरा। हाँ जी, पूरा फायदा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कोई भी, सब ठीक है, बच्चे भी खेलने जाते हैं, हम भी सामने बैठते हैं, सारा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।